हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.4 चल रही है. इस एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके थे. अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में. देखिए, 9th क्वेश्चन सेकंड पार्ट, ये सोल्व करने का क्वेश्चन है. वी हैव एक्स इंटू कोट 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसेकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो. ये दिया हुआ है, आपने सोल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है. तो एक्स 90 पे होगा चेंज, 90 प्लस सेकंड, सेकंड में कोट होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा. 90 पे चेंज होता है और 90 प्लस सेकंड, सेकंड में टेन नेगेटिव, तो माइनस कोट टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज प्लस कोसिकेंट. चेंज होगा 90 डिग्री है और सेकंड में कोसिकेंट होता है पॉजिटिव, तो आपके पास हो जाएगा सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू जीरो. आपने वैल्यू किसकी बतानी है? एक्स की. तो एक्स एक्स की टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ माइनस एक्स इंटू टेंजेंट थीटा, उधर जा करके कोट थीटा इंटू साइन थीटा पोज प्लस का हो जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस का हो जाएगा. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स टेंजेंट थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहां पर लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन अपॉन कोस थीटा. हर टर्म को साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए. साइन थीटा कैंसिल हो गया. यहां से अब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा कोस थीटा. क्या हुआ? कोस स्क्वेयर थीटा माइनस वन हो गया. अब आप यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, वन माइनस कोस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीट्टा, तो आपके पास रिजल्ट आ गया माइनस साइन स्क्वेयर थीट्टा डिवाइडेड बाई कोस थीट्टा. अब यहाँ से एक्स की वैल्यू बताएंगे तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, साइन स्क्वेयर थीट्टा अपॉन कोस थीट्टा, इसका उधर जाके रेसिप्रोकल करेंगे तो कोस थीट्टा अपॉन साइन थीट्टा हो जाएगा. एक कोस से कोस कैंसिल हो गया और एक साइन से साइन भी कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आपके पास साइन थीटा आ जाएगा. क्लियर है? ये था 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. इसके बाद चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन में. इस एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन में देखिए प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड देख करके चलते हैं. लेफ्ट हैंड साइड है कोस स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वेयर 3π/8 प्लस कोस स्क्वेयर 5π/8 प्लस कोस स्क्वेयर 7π/8 ऐसा है. इसको आपने 2 प्रूव करना है. एक तो बता देते हैं पाई बाई 2 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है. इसका मतलब 90 डिग्री. पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री. 3π/2 का मीनिंग होता है 270 डिग्री और 2π का मीनिंग होता है 360 डिग्री. क्लियर है? पाई बाई टू और अगर 3π/2 है तो यहाँ पे तो होगा चेंज. क्लियर? और पाई और 2π है तो यहाँ पे क्या होता है भाई? नो चेंज, चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा. ठीक है? तो मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि सारी की सारी टर्म्स कोस स्क्वायर में है. फर्स्ट टर्म एज इट इज रखो कोस स्क्वायर पाई बाई एट, सेकेंड टर्म एज इट इज रखो कोस स्क्वायर 3π/8 प्लस कोस स्क्वायर. चेंज करना चाहता हूँ तो पाई बाई टू बनना चाहिए. पाई बाई टू कब बनेगा? जब नीचे एट है तो ऊपर फोर आना चाहिए, तो 4π + π लिख देंगे इसको. जब अलग अलग करेंगे तो ये पाई बाई टू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. हम चेंज करना क्यों चाह रहे हैं बताएंगे आपको, क्योंकि स्क्वेयर में फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर के. प्लस कोस स्क्वेयर ये 8 है, यहाँ भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसको लिखेंगे 4π + 3π.
अब आप इसको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे तो कोस स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वेयर थ्री पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वेयर, आप इनको अलग अलग करें, अलग अलग करेंगे तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई एट हो जाएगा प्लस कोस स्क्वेयर, आप इनको भी अलग अलग करें पाई बाई टू प्लस थ्री पाई बाई एट हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म एज इट इज, अब सुनिए थर्ड टर्म में कोस 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा आपके पास होता है माइनस साइन थीटा, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। अब माइनस होता है लेकिन उसका स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही यहां पर भी आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वेयर थ्री पाई बाई एट। अब ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर देंगे और ये दोनों टर्म्स इकट्ठी कर देंगे तो आपके पास हो गया, क्योंकि एंगल सेम है, कोस स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई एट प्लस कोस स्क्वेयर थ्री पाई बाई एट प्लस साइन स्क्वेयर थ्री पाई बाई एट, ये रिजल्ट हो जाएगा वन और प्लस ये रिजल्ट भी वन हो जाएगा और क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास टू, यही आपने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गया आपके पास। ये था टेंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अब चलते हैं टेंथ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो जो रिजल्ट्स हैं वो आप अच्छे से याद करें, रिजल्ट्स करने के बाद याद करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 90 और 270 पे चेंज क्यों किया, क्योंकि कोस स्क्वायर की टर्म है तो साइन स्क्वायर की टर्म, और अगर एंगल सेम होगा तो रिजल्ट बन ही जाएगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये लगाया हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, दूसरा ये रिजल्ट हमने यूज किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, इसको आपने 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो 2 के इक्वल जब भी होगा जब साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का रिजल्ट लगे, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 9 एज इट इज प्लस साइन स्क्वेयर, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो चेंज, यहाँ 18 है तो ऊपर क्या आना चाहिए 9, तो आप इसको लिखें 9 पाई माइनस 2 पाई, क्लियर है, और प्लस साइन स्क्वेयर, आप इसको पहले तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें 8 पाई बाई 18 हो जाएगा, क्लियर है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हुआ, साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 9, या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 9 का हाफ पॉइंट्स में होता है, कंप्लीट नहीं होता, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं नीचे हो गया 18, 18 का हाफ क्या हो जाएगा 9, क्योंकि हम पाई बाई 2 लेना चाह रहे हैं तो नीचे 2 तभी तो आएगा ना जब इवन होगा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वेयर 9 पाई माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर, इसको लिखे 9 पाई माइनस पाई, क्योंकि यहाँ पर 18 है तो 18 का हाफ 9 तभी तो पाई बाई 2 बनेगा, हम पाई बाई 2 लेना चाह रहे हैं ताकि चेंज हो, और यहाँ भी पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 जब बने जब ऊपर उसका हाफ हो तो यहाँ पर 9 था, 9 का हाफ तो 4.5 पॉइंट्स में आ जाएगा, इसलिए दिक्कत आती है वहाँ पर। ठीक है, यूँ कर लेना। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वेयर, अलग अलग करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 हो जाएगा,
क्लियर है। अब इसको जब आप आगे सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 9, 90 पे क्या होता है चेंज, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये रिजल्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, ये रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। एक तो और सुकेयर है, सुकेयर हो जाएगा कोस सुकेयर पाई बाई 9 प्लस ये हो जाएगा कोस सुकेयर पाई बाई 18। अब ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करें और ये दोनों टर्म्स इकट्ठी करें तो आपके पास है साइन स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वेयर पाई बाई 9 प्लस कोस स्क्वेयर पाई बाई 9, ये हो जाएगा 1 और ये भी 1, क्या रिजल्ट आ जाएगा 2। यही आपके पास राइट हैंड साइड है। इसमें दूसरा रिजल्ट क्या यूज किया, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा ये रिजल्ट यूज किया गया। तो पाई बाई 2 बनाया जा रहा है क्योंकि चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट होता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है 1, इसलिए हम चेंज करना चाह रहे हैं। ये था 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं बेटा 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोस रेज टू पावर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही, कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करवा दिए, वो भी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ये करवा रहे हैं ये भी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ध्यान से करें, नहीं समझ में तो दोबारा पूछे। कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 5 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 7 पाई बाई 8। अब सुनिए, यहाँ पे पावर है 3 और 3 पावर का साइन और कोस में कोई रिजल्ट नहीं होता है, इसलिए हम इनको कैंसिल करना चाहेंगे। कैंसिल करना चाहेंगे तो मतलब चेंज नहीं करेंगे, और चेंज नहीं करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3। अब चेंज नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाहे तो ऊपर पाई होना चाहिए, तो नीचे 8 है तो ऊपर भी 8 होना चाहिए, तो 8 पाई माइनस 3 पाई डिवाइडेड बाई 8 कोस रेज टू पावर 3, नीचे 8 है ना, तो इसलिए इसको लिखेंगे 8 पाई माइनस पाई, 7 पाई हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग करेंगे, कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3, अलग अलग करेंगे तो पाई माइनस 3 पाई बाई 8 प्लस कोस रेज टू पावर 3 पाई माइनस पाई बाई 8। अब आप इसको बेटा जब सोल्व करेंगे तो कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8 प्लस कोस, यहाँ चेंज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ओड पावर है, तीन पावर है, तीन पावर का साइन कोस में कोई रिलेशन नहीं, तो चेंज तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन फिर थ्री पावर है, थ्री पावर, और वहाँ था सुकेयर, और साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर में फॉर्मूला लेते हैं, इसलिए कोस रेज टू पावर 3 3 पाई बाई 8। वैसे तो कोस 180 माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, होता है, तो ये रिजल्ट जब आप यूज करोगे, और फिर माइनस का क्यों, माइनस हो जाएगा, वहां तो माइनस का सुकेयर था प्लस हो गया था, कोस रेज टू पावर 3 3 पाई बाई 8 माइनस कोस रेज टू पावर 3 पाई बाई 8, सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। यही आपके पास है राइट हैंड साइड है। तो वहां पे चेंज क्यों किया गया, क्योंकि सुकेयर था, और साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया गया, चेंज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि क्यूब है, और क्यूब में साइन कोस का कोई रिजल्ट नहीं होता, इसलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट, 11th के फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कोटेंजेंट एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस पाई बाई 2, क्लियर हो गया, इनटू
वन प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स प्लस है पाई बाई टू, एक ही बात है, पाई बाई टू प्लस एक्स होती है, एक्स प्लस पाई बाई टू। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो वन प्लस कोटेंजेंट एक्स, 90 प्लस 90 चेंज होता है, 90 प्लस सेकंड, सेकंड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, तो प्लस हो जाएगा और चेंज हो जाएगा कोसेकेंट एक्स। यहाँ पर जो रिजल्ट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सीकेंट 90 डिग्री प्लस थीटा बोल दो, चाहे सीकेंट थीटा प्लस 90 डिग्री बोल दो, एक ही बात है, रिजल्ट होता है माइनस कोसेकेंट थीटा। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा वन प्लस कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसेकेंट एक्स, क्लियर है। अब मैं इसको ए मान रहा हूँ और इसको बी मान रहा हूँ, और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एल्जेब्रा का रिजल्ट होता है ए माइन प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये रिजल्ट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास हो जाएगा वन प्लस कोट एक्स का होल स्क्वेयर माइनस कोसेकेंट एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स। अब वन प्लस कोट स्क्वेयर एक्स क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स होता है, ये भी रिजल्ट लगा दिया। वन प्लस कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा, ये रिजल्ट हमने अप्लाई कर दिया। प्लस टू कोटेंजेंट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स, कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स बेटा कोसेकेंट स्क्वेयर एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टू कोट एक्स, यही आपने प्रूव करना था, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्लियर है। इसके बाद 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है सीकेंट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, सीकेंट एक्स माइनस 5 पाई बाई 2 प्लस टेंजेंट 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 3 पाई बाई 2। आप यहां पर पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दें सबसे पहले, तो आपके पास सीकेंट 270 डिग्री माइनस एक्स, सीकेंट एक्स माइनस 450 डिग्री प्लस टेंजेंट, ये हो जाएगा 450 डिग्री प्लस एक्स और टेंजेंट एक्स माइनस 270 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो बाद में कर देंगे, चलो सीकेंट 270 डिग्री माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो आपके पास हो जाएगा सीकेंट 450 डिग्री माइनस एक्स प्लस टेंजेंट 450 डिग्री प्लस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट 270 डिग्री माइनस एक्स, क्योंकि सीकेंट ऑफ माइनस थीटा ये तो होता है सीकेंट थीटा, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस टेंजेंट थीटा, ये दो रिजल्ट्स यूज की गए हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सीकेंट 270 माइनस थीटा, 270 चेंज होगा, थर्ड थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस कोसेकेंट एक्स, अच्छा सीकेंट इसको आप लिखोगे 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स, इसको अलग और इसको अलग ले लेंगे, प्लस टेंजेंट इसको लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, ये अलग रख देंगे ये अलग रख देंगे, और ये हो जाएगा 270 पे चेंज होगा, 270 माइनस थर्ड, थर्ड में 10 क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस कोट
एक्स। क्लियर है। अब माइनस है कोसिकेंट एक्स 360 प्लस, फर्स्ट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सीकेंट 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 360 पे चेंज होता नहीं, फर्स्ट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, टेंजेंट 90 डिग्री प्लस एक्स, और ये होता है माइनस कोट एक्स। माइनस कोसिकेंट एक्स एज इट इज 90 पे होता है चेंज, और 90 माइनस फर्स्ट फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ये कोसिकेंट एक्स हो जाएगा, प्लस टेंजेंट 90 प्लस चेंज होगा और नेगेटिव होगा, माइनस कोट एक्स, और ये माइनस कोट एक्स ऑलरेडी है, तो आपके पास हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स और प्लस में है कोट स्क्वायर एक्स। माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स माइनस एज इट इज, और ये होता है 1, यही आपके पास है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं रिजल्ट्स पे डिपेंड करते हैं, बहुत अच्छे से देखें समझें और याद करें, कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछें। ओके, थैंक यू।